उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस मुस्लिम समुदाय की लड़की ने हिंदू युवक से शादी और सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई थी, अब वो शादी के बंधन में बंध गई। हालांकि युवती अब भी सुरक्षा की मांग कर रही है। अलीगढ़ की रहने वाली अलीना खान अब शिवांगी वर्मा बन गई है। आज इसने कलेक्ट्रेट में वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में सचिन वर्मा से शादी रचा ली। असल में अलीना का सचिन वर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन अलग समुदाय का होने की वजह से परिजन तैयार नहीं हो रहे थे। यही नहीं, इन्हें धमकियां तक मिल रही थी। परेशान अलीना ने अपना प्रेम पाने और सुरक्षा की मांग को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई और इसका असर भी हुआ। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अलीना के परिजन शादी के दौरान नदारद रहे। मुझे शादी हिंदू धर्म में करनी थी, मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने वीडियो वायरल किया अपनी सुरक्षा के लिए। जब जाके मुझे पुलिस से सुरक्षा मिली, घर वाले एग्री नहीं करते, वो पीठ पीछे से वार करते। मेरे सामने बोल रहे थे कि हम एग्री हैं, कोर्ट में हम कराएंगे, लेकिन नहीं, हर जगह ताले लगाए जा रहे थे ताकि मैं निकलूं नहीं। आप पीछे से वार करने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अब भी करेंगे। योगी जी से किस तरह की उम्मीद है? मुझे आगे भी अपनी सेफ्टी चाहिए कि मेरी और मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों, किसी को भी कुछ हो, उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। सचिन वर्मा से शादी कर अलीना शिवांगी बन गई है, लेकिन अब भी इसे अपने और पति की सुरक्षा की फिक्र है। तो वहीं अलीना के पति सचिन का कहना है कि अपना प्यार पाकर वो बेहद खुश है। सचिन ने इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद व्यक्त किया है। वहीं अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारी कह रहे हैं कि दोनों प्रेमी जोड़ों को एक करने के लिए किस तरह इन्होंने भी जद्दोजहद की। अलीना खान नाम की एक लड़की थी, इसने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ये एक सौर नामक लड़के, हिंदू लड़के से प्यार करती थी, ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के परिजन चूंकि मुस्लिम थे तो वो शादी का विरोध कर रहे थे और लगातार लड़की को डराया धमकाया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था और लड़के को भी अपने घर छोड़ कर भागना पड़ा क्योंकि लड़के की जान को भी खतरा था। फिर ये इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों से संपर्क किया, हम सब लोगों ने मिलकर, पुलिस से मिलकर, प्रशासन से मिलकर इनके पक्ष में कार्रवाई कराई और आज इनके यहाँ शादी की कार्रवाई को पूरी कराई। अलीगढ़ में हुआ ये विवाह सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन पर है ताकि इनकी जिंदगी खुशगवार गुजर सके। अलीगढ़ से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।